नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल अस में और मैं हूं किशन चंद। दोस्तों इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आते हैं स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल खबरों के अलावा आपकी सेहत से जुड़ी हुई जानकारी को, तो चलिए देख लेते हैं। दोस्तों यहां पे जो पहला अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है पीडिएटर बी ड्रोन को लेकर। ट्रंप प्रशासन ने जनरल एटॉमिक्स को यह अनुमति दे दी है कि वे अपने पीडिएटर बी ड्रोन को भारत को बेच सकता है। भारत इस तरीके के 22 पीडिएटर 2 ड्रोन अमेरिका से खरीदने वाला है जिसकी कुल कीमत $3 बिलियन की है। साथ ही दोस्तों आपको ये बता दें कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन अब लगातार इस तरीके की पॉलिसी बना रहा है, वो भी डिफेंस लेवल पे, ताकि भारत के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने डिफेंस के हथियारों को बेच सके, साथ ही भारत की निर्भरता को वो रूस से कम कर सके। यही वजह है कि ट्रंप सरकार इस वक्त भारत के प्रति काफ़ी लचीली है। दोस्तों ये बात तो चलो अपनी जगह पर ठीक है कि पीडिएटर 2 जो ड्रोन है वो भारत के लिए अप्रूव कर लिए गए, लेकिन दोस्तों क्या आपको लगता नहीं है कि भारत का जो DRDO है ऑलरेडी रुस्तम 2 पर काम कर रहा है और रुस्तम 2 पीडिएटर बी ड्रोन के बराबर ही उसको बनाया जा रहा है और हाल ही में उसका कई सफल परीक्षण भी किए हैं। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों के लिए समझने वाली है, जो $3 बिलियन का हम लोग निवेश कर रहे हैं 22 पीडिएटर ड्रोन को खरीदने के लिए, उससे कहीं ना कहीं हमारा मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत बनने वाला रुस्तम 2 पर भी कहीं ना कहीं फ़र्क तो पड़ता ही है। जहाँ तक दोस्तों मेरा मानना है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, इतनी बड़ी मात्रा में अगर हम 22 ड्रोन की जगह कुछ ही ड्रोन अमेरिका से खरीदे और बाकी जो पैसा बच रहा है उस पैसे को मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत उस पैसे को इन्वेस्ट किया जाए भारत के खुद के सेल्फ ड्रोन बनाने में, जिसे कि रुस्तम 2 हम लोग कहते हैं। दोस्तों इस बारे में आपकी क्या राय है, ज़रूर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स पे दें। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है भारत और चीन की सेनाओं को लेकर। जी हाँ, अब हॉटलाइन के जरिए भारत और चीन की सेनाएं आपस में जुड़ेंगी। जी हाँ दोस्तों, सीमा पर तनाव को घटाने और दोस्ती को बढ़ाने के कई प्रयास मोदी और चिनफिंग की वार्ता का ये परिणाम हमें देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि दोनों देशों के मुख्यालय हॉटलाइन से जुड़ेंगे। दोस्तों ये प्रस्ताव जो था बहुत लंबे समय से लंबित था। चीन भारत के साथ मिलकर काम करने को इच्छुक है और वो नए स्तर पर भारत के साथ संबंध बनाना चाहता है। दोस्तों यहाँ पर जो अगला अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है फ्रांस की तरफ से। जी हाँ, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोनी ने इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने के लिए चुनौती दी है। इन दिनों फ्रांस के राष्ट्रपति ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं। दोस्तों इससे पहले भी आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड प्रशांत महासागर में चीन के अनौपचारिक अधिकार पर चिंता जता चुके हैं। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है भारतीय सेना की तरफ से। जी हाँ, भारत सेना पर खर्च करने वाले 5 देशों में से एक हो गया है और इस स्थान पर पहले नंबर पे अमेरिका है। आपको बता दें कि 2017 में सेना पर खर्च के मामले में भारत और चीन दुनिया के शीर्ष 5 देशों में शामिल हैं। दोनों देशों का रक्षा खर्च कुल मिलाकर वैश्विक रक्षा का 60% रहा। दोस्तों एक रिपोर्ट की माने तो चीन करीब 2 दशकों से रक्षा खर्च में बढ़ोतरी कर रहा है। भारत ने सेना पर $63.9 अरब खर्च किए। दोस्तों यहाँ पर जो अगला अपडेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है रूस की तरफ से। रूस ने अपने सैन्य खर्चों को 20% तक काट दिया है, यानी कि 20% की कटौती रूस ने करी है। मंदी और पश्चिमी देशों के प्रतिबंध की वजह से रूस को ये काम करना पड़ रहा है। एक रिपोर्ट की माने तो लगभग 2 दशकों में सैन्य खर्च में यह इसकी सबसे बड़ी गिरावट रही है। 2014 में रूस ने यूक्रेन पर अपना कब्जा कर लिया था, उसके बाद उसने पूर्वी यूक्रेन में अलगाववादियों का भी समर्थन किया और 2015 में सीरिया के गृह युद्ध में भी अपनी भागीदारी निभाई। यही वजह थी कि इंटरनेशनल लेवल पर उसके कई सैंक्शंस लग गए हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस में सैन्य खर्च में कटौती उस समय हुई है जब दुनिया में शीत युद्ध जैसा माहौल बना हुआ है, जिसके चलते संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और सऊदी अरब ने तो अपनी सेनाओं पर सबसे ज्यादा खर्च को बढ़ाया है। दोस्तों यहाँ पे जो अगला अपडेट निकल के आ रहा है वार आपकी सेहत से जुड़ा हुआ। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मोटापे से निजात पाने के बहुत ही सरल उपाय। जी हाँ, यदि आप नियमित इन उपायों को करते हैं तो मोटापा आपको कभी छुएगा भी नहीं और कभी आपको ये मोटापा होगा भी नहीं। यदि आप ऑलरेडी मोटे हैं तो वो भी आपका मोटापा घट जाएगा। दोस्तों बहुत छोटे से उपाय हैं, कहीं आपको इसके लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई महंगी दवा खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये उपाय आपके घर में ही करने हैं। दोस्तों 250 ग्राम की मात्रा में आप मट्ठा लें और उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक मिलाकर रोज इसका सेवन करें, इससे आपका मोटापा कुछ ही दिनों में दूर हो जाएगा। 5 ग्राम नींबू के रस में 50 ग्राम पालक के रस को मिलाकर नियमित सेवन करें, मोटापा इससे तुरंत घटने लगता है। 6 ग्राम मूली के बीजों का चूर्ण और 10 ग्राम शहद को मिलाकर सेवन करने से मोटापे का निवारण होता है। 200 मिलीलीटर पानी में 10 ग्राम नींबू का रस मिलाकर प्रतिदिन सुबह शाम पीने से मोटापा कम होता है। आप मट्ठे के साथ 3 ग्राम त्रिफला का चूर्ण नियमित सेवन करें, इससे आपका मोटापा बहुत ही तेजी से घटने लगेगा। पानी में शहद मिलाकर प्रतिदिन सुबह पीने से मोटापा कम होता है, पानी गुनगुना हो तो बेहतर होगा। सुबह में खाली पेट 1 हफ्ते तक आप 10 सदाबहार के सफ़ेद फूलों का सेवन करें, इससे आपका मोटापा बहुत ही जल्दी खत्म होने लगेगा। त्रिफला के चूर्ण और गिलोय का चूर्ण को बराबर मात्रा में मिलाएं
और 5-5 ग्राम चूर्ण प्रतिदिन शहद के साथ सेवन करने से मोटापा घटता है। दोस्तों, यदि आप इन छोटे छोटे उपायों को करते हैं और नियमित करते हैं, आपका मोटापा कब दूर हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों, यदि आपको वीडियो संबंधित कोई प्रश्न या आपका जवाब है, कृपया करके हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर लिख के बताएं। साथ ही दोस्तों, वीडियो को लाइक और डिसलाइक करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। टेक्निकल अस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और हमारे वीडियोज़ की लेटेस्ट जानकारी पाएं।